फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे लिंग विद्यालय समाज का पाठ भाग 20। तो पिछली वीडियो में हम लोग अध्ययन कर रहे थे लिंग समतुल्यता विकसित करने में शिक्षा की क्या भूमिका रहती है। तो इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे थे शिक्षा का, इसके बाद फैमिली का, मीडिया का, संस्था का, तो इन सब का एक के बाद एक का अध्ययन करते रहेंगे। इसमें अध्ययन किया था जिसके 9.9 बिंदु, शिक्षा की सार्वभौमिकता, शिक्षा की सार्वभौमिकता तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब अगला पॉइंट आता है 100% नामांकन। आप देखते हो विद्यालयों में 100% नामांकन बालक बालिकाओं का होना आवश्यक है। शिक्षा इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी तभी साबित हो सकती है तब शिक्षा के लिए 100% बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। इस चीज़ का उनका कर्तव्य है कि वो स्कूल में आके शिक्षा ग्रहण करने अधिकार है। उनके माता पिता का ये कर्तव्य है कि उनको शिक्षा अवश्य रूप से लाए। 1 से 8 क्लास तक निःशुल्क शिक्षा चलती है, तो उसके अंतर्गत फैमिली वालों को, ऐसा परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो छात्र छात्राएं आप देखते हो कि विद्यालय में 100% नामांकन नहीं होता है, ये स्थिति उत्पन्न होती रहती है। जिस एरिया में शिक्षित लोग हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ शिक्षित अशिक्षित सभी प्रकार के लोग मिलते हैं वहाँ इस प्रकार की 100% उपस्थिति के विद्यालय में उसकी स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसमें अनेक प्रकार की रैली एवं जन जागरूकता अभियानों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा सकता है, जिससे कि वो प्रत्येक बालक बालिकाओं को शिक्षा के लिए समान रूप से विद्यालय में नामांकित या प्रवेश दिला सकते हैं। तो इस प्रकार के अभियान लिया जाएंगे जिससे समाज और अभिभावक सभी जागरूक होंगे, तो वो अपने सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। आप देखो 100% नामांकन के लिए भारत सरकार ने 2 अभियान लाए गए हैं। SSA ये चला था 2001 में, और उसके बाद रमसा ये चला था 2010 के करीब। तो इसमें SSA में सर्व शिक्षा अभियान में ये अक्षर रखा गया था कि 2010 तक सभी विद्यालय सभी बच्चों को 100% शिक्षा उपलब्ध हो, लेकिन यह अभियान पूर्ण रूप से सफल तो हुआ, लेकिन इसके अंतर्गत फिर भी कुछ रह गए। इसको बढ़ाकर 2017 तक कर दिया गया था, और बाद में इस वो सॉरी 2012 तक, उसके बाद बढ़ाकर इसको 2020 के लिए लगाया। अब 20 में आगे देखते हैं सरकार क्या करती है, ये अभियान आगे चलता है। इसके साथ एक रमसा अभियान और आता है 2008 के करीब। तो इन सब चीज़ों की उसकी माध्यमिक शिक्षा, तो इस प्रकार से गवर्नमेंट 100% अभियानों के लिए नामांकन के लिए अभियान चलाती रहती है।
अगला पॉइंट आता है शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता, आप देखो प्रत्येक बालक बालिकाओं को शैक्षिक अवसरों की समानता होना आवश्यक है। आप देखो प्रत्येक शिक्षित फैमिली में एक बालक और एक बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा दिलाई जाती है, लेकिन अशिक्षित फैमिली में इस प्रकार से एक बालक और एक बालिकाओं को समान शिक्षा नहीं दिलाई जा सकती। इसके इसको दो प्रकार से हम लागू कर सकते हैं कोई भी एक्टिविटी कार्यक्रम, तो उसमें सबसे पहला आता है प्रथम अवस्था में समाज में जागरूकता उत्पन्न करना। जब समाज में जागरूकता उत्पन्न होगी तो प्रत्येक अभिभावक अपने बालक और बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा दिलाएगा। उसके साथ अगला सेकंड है सरकार द्वारा बालिकाओं को आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सुविधा प्रदान करें, जिससे कि अभिभावक और बालिकाओं को शैक्षिक अवसर उपलब्ध होने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। आप जैसा कि देखते हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ग्यारहवीं और बारहवीं क्लास में प्रत्येक छात्रा को 5,000 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे कि उसको एजुकेशन में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उसके साथ गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी योजना चलाई जा रही है, साइकिल वितरण है, लैपटॉप है, भाड़ा किराया, अन्य प्रकार की इस प्रकार की योजनाएं गवर्नमेंट बालिकाओं को दे रही है, अलग से बालिका विद्यालय, तो जिससे कि बालक और बालिकाओं को दोनों को शैक्षिक अवसरों की समानता समान रूप से उपलब्ध हो। इसके बाद अगला पॉइंट आता है पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना। आप लोग देखते हो कि जहाँ स्कूल नहीं होंगे, दूरी पे होंगे, तो वहाँ विद्यालयों का नामांकन कम मिलेगा, क्योंकि उसमें एक समस्या होती है कि कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो दूर नहीं जा सकते, बड़े इतने उस अवसरों की अवसर उनको पूर्णता नहीं मिल पाते हैं, तो जिस प्रकार से पास में स्कूल होते हैं तो बच्चे जल्दी स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पिछड़े हुए हैं, जिन क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित नहीं होगा वहाँ पे आपको शिक्षा के अंतर्गत बहुत कम लोग शिक्षा प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे छात्रा और अभिभावकों को दूर जाने में समस्या पर का सामना करना पड़ता है। उसके साथ अनेक प्रकार के सिल
लिंग भेद स्थिति उत्पन्न होने जाती है। जैसा कि एक बालक और एक बालिका दोनों 11th क्लास में हैं, तो एक बालक को विद्यालय दूर होने के कारण दूर भी पढ़ने जा रहा है, बाहर भी हम लोग उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन एक बालिका गांव में या पास के गांव में विद्यालय नहीं होने के कारण उसको हम विद्यालय पढ़ने नहीं भेजते हैं। इस प्रकार से हमारे समाज में लिंग भेदभाव की उत्पन्नता बाहर से नहीं, एक फैमिली से होती है। फैमिली के बाद धीरे धीरे वो हर स्तर पर बढ़ते हुए हमें देखती है, तो जिससे कि पिछड़े क्षेत्रों में जब विद्यालयों की स्थापना होगी अच्छे प्रकार से, तो सभी लोग शिक्षित करेंगे। आज वर्तमान समय में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 12वीं तक की स्कूल आवासीय रूप से आपको देखने को मिलती है, जिससे कि हमें इस चीज़ का अनुभव होता है और उसके साथ हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त भी करते हैं। बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते, बच्चे बालक बालिकाएं, तो सभी प्रकार से 12th पास तो प्रत्येक विद्यार्थी, गांव का प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक बालक कर ही सकता है। ऐसा नहीं हो कि इससे भी कुछ प्रकार की दिक्कत आती है बालकों को, दूर आने जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट है बालिका विद्यालयों की स्थापना। आप देख तो कि बालिकाओं का 70% अमांकन या संपूर्ण बालिकाओं को शिक्षा दिलाने के लिए बालिका विद्यालयों के अलग से स्थापना गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, जिसमें बॉयज का कोई एडमिशन नहीं होता, सिर्फ ओनली बालिकाओं का। तो आप देख रहे हो ऐसे अनेक विद्यालयों की स्थापना गवर्नमेंट वर्तमान में रही है, उससे पहले भी काफ़ी विद्यालय बालिकाओं के लिए अलग से स्थापित थे, लेकिन वो विद्यालय 5वीं क्लास 8वीं क्लास तक के थे, उनको वर्तमान में आगे बढ़ाकर 10th 12th कर दिया गया है, जिससे बालिकाओं के लिए किसी प्रकार की समस्याओं का शिक्षा अब करने में नहीं हो। उसके साथ आपने जब बालिका विद्यालयों की अलग से स्थापना होगी तो उसको अपने वातानुकूलित वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जब प्रत्येक बालिका शिक्षित होगी तो अपने कर्तव्य और अधिकारों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे समाज में शिक्षित स्त्रियों की संख्या में वृद्धि होगी और समाज में लिंग असमानता का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। तो आप देखो जब जैसे जैसे बालिकाएं शिक्षा के लिए शिक्षा प्राप्त करेंगी, तो अशिक्षित जो स्त्रियां हैं समाज में उनको भी किसी न किसी
बारे में जागरूकता मिलेगी। संपूर्ण रूप से जागरूकता नहीं हो सके, लेकिन कुछ जागरूकता समाज में फैलती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अपना विकलांग हो, लिए शिक्षा। हम लोग देखते हैं बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं, तो विकलांग से रहने में आते हैं। वो ज़्यादा दूरी पर होने पर विद्यालय नहीं जा सकते, तो उनके इस प्रकार से लिंगी भेदभाव की स्थिति उत्पन्न आती है। बालक बालिका दोनों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दिक्कत, समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके साथ लिंगी भेदभाव का भी उन बालकों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक शारीरिक रूप से सक्षम विद्यार्थी शिक्षा करने के लिए स्कूल जाता है, और एक अविकलांग बालक बालिका है, शारीरिक रूप से असमर्थ है, तब वो विद्यालय नहीं जा सकती। तो इन दोनों में उनके मन में एक भेदभाव की श्रेणी सोच उत्पन्न होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि संपूर्ण रूप से सभी के लिए शिक्षा आनी चाहिए, चाहे कोई बालक शारीरिक रूप से समर्थ या असमर्थ हो, जिससे राष्ट्र एवं समाज दोनों एक समान रूप से समृद्धि एवं डेवलपमेंट करते हैं। तो उसके साथ ये शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। लिंग समतुल्यता विकसित करने में शिक्षा की भूमिका। इसके बाद अगला आता है इसमें लिंग समतुल्यता विकसित करने में परिवार की भूमिका। आप देखते हो कि एक लिंग समतुल्यता को विकसित करने में एक फैमिली की क्या भूमिका रहती है, क्योंकि आप देखते हो लिंगीय जो भेदभाव है जो कहीं बाहर से उत्पन्न होकर नहीं आता है, भाई किसी समाज से उत्पन्न होकर आया है, किसी अन्य स्थान से। सबसे पहले अपनी फैमिली में लिंगी भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका जब होगी पूरी बचरी होंगी दस मिनट बच रहे हैं, हम भी प्रकार तो जब परिवार में लिंग भेद का बीजारोपण, बालक और बालिकाओं में भेदभाव करते हैं, जब उनके मन में किसी प्रकार की संख्या सोच फैमिली के लोग विकसित करते हैं, तो तब उनमें एक लिंगीय भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। उसको हमें किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है एक फैमिली के द्वारा लिंगीय भेदभाव को समाप्त करना अनिवार्य रूप से समझना चाहिए।
कि हम लोग हमारे फैमिली में लेंगे भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं, तो उसके साथ साथ हम फैमिली में कर रहे हैं, फिर हमारे समाज में करेंगे, हमारे राष्ट्र में करेंगे, हमारे गांव में करेंगे, तो हम एक के बाद एक कड़ी उच्च चीज से जोड़कर हम उस कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। अच्छे कार्यों के लिए हम उसकी बुनियादें सकते हैं। तो इसमें कुछ बिंदु हैं जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है अभिभावक सोच में परिवर्तन। अभी वो की सोच में परिवर्तन, आप देखते हो प्रत्येक अभिभावक या प्रत्येक पेरेंट्स की सोच अलग अलग होती है। इस चीज को हम लोग देखते आते हैं कि एक शिक्षित अभिभावक हैं तो एक बालक और एक बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा लाते हैं, जबकि अशिक्षित पेरेंट्स एक बालक को अपना समझ के अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करते हैं, जबकि एक बालिका को पराया धन समझकर नॉर्मली शिक्षा या नाम मात्र के लिए शिक्षा दिलाने का प्रयास करते हैं। तो हम ऐसी स्थितियों को देखते आ रहे हैं। तो जब सभी पेरेंट्स या अभिभावकों की सोच में परिवर्तन होगा तो उसके साथ साथ समाज में भी इस प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। तो वो लिंगी भेदभाव की जो समतुल्यता है उसको विकसित करने में परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके लिए कुछ अभिभावकों की रूढ़िवादी परंपराएं या अंधविश्वास जो उनके अंतर्गत जो संकीर्ण सोच है उसकी विचारधारा में हमें एक प्रकार से परिवर्तन करना होगा, जिसके साथ साथ अभिभावकों की सोच बदली जा सकती है। अभिभावकों के व्यवहार में समानता, अभिभावकों के व्यवहार में समानता, आप लोग देखते हो कि एक बालक और एक बालिका दोनों घर में कोई कार्य करना होता है तो पहले बालिका से कहते हैं। क्यों, हम लोग बालक से क्यों नहीं कह सकते? बालक भी तो उतना ही बड़ा है, वो भी तो उस कार्य को कर सकता है। नहीं, सबसे पहले बालिका से कहते हैं, बालक से नहीं। तो इस प्रकार एक बालक और एक बालिकाओं में अभिभावक पेरेंट्स जब समानता का व्यवहार करेंगे, सभी को समान रूप से कार्य कराएंगे, सभी को समान रूप से शिक्षा दिलाएंगे, और जो कार्य एक्टिविटी हैं जिसमें सभी बालक या बालिकाओं को समान रूप से हम भाग लेने देंगे या कार्य करने देंगे, तो उनमें समानता का भाव उत्पन्न होता है। जब फैमिली के लोग या परिवार के पेरेंट्स लोग इस प्रकार का समान और एक बालक बालिका के साथ करते हैं, तो स्वतः उन बालक बालिकाओं में असमानता की कोई चीज़ उनके अंतर्गत उत्पन्न नहीं होती है। जब हम बालक और बालिकाओं से समान व्यवहार करेंगे तो उनमें किसी प्रकार की असमानता नहीं दिखती है, तो उसके साथ साथ उनमें किसी प्रकार का लिंगीय भेदभाव भी उत्पन्न होने का आसार या आशाएं हमें उन लोगों के दिमाग माइंड में संकीर्ण विचार धारा उत्पन्न नहीं होगी, और
जब बालक बालिकाओं को समान रूप से सुविधा प्राप्त होगी तो 100% उस फैमिली का समानता का वातावरण अवश्य रूप से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगला आता है अभिभावकों के जागरूकता का विकास। अभिभावकों में जागरूकता का विकास, आप लोग देखते हो कि जब हमारे पेरेंट्स में किसी चीज के लिए जागरूकता होगी तो बच्चे उस कार्य को अपने आप स्वयं पेरेंट्स उनको उस कार्य के लिए अग्रसर करेंगे, प्रेरित करेंगे। जब हमारे पेरेंट्स शिक्षा के क्षेत्र में खुद ही जागरूक नहीं होंगे तो बच्चों को इस प्रकार की जागरूकता नहीं करा सकते। आप देखते हो कि पेरेंट्स के अंदर जागरूकता का अभाव होना आवश्यक है। उस स्थिति में लिंग भेदभाव को नाम मिलता है। जब हमारे पेरेंट्स इसी चीज़ को लेकर जागरूक नहीं होते हैं, आप देखते हो कि जो लोग जागरूक हैं, जो पेरेंट्स अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित हैं इस चीज़ से, तो उनके बालक और बालिकाएं समान रूप से शिक्षा करते हैं। और जो पेरेंट्स अजागरूक हैं अशिक्षित हैं, उनमें इस प्रकार की जागरूकता का अभाव है, उनके बालक अच्छी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, बालिका गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हैं, बालिकाओं को सही संपूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, जबकि बालकों को अच्छे प्रकार से हम शिक्षा दिला सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो हमारी सोच है, हमारी जागरूकता है, उसकी विचारधारा का फर्क है। जब अभिभावक जागरूक होंगे, बालक और बालिकाओं दोनों की क्षमता योग्यता का लाभ एक फैमिली के लिए समान रूप से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उस वो योग्यता एक बालक में है, वो योग्यता एक बालिका में है, उन दोनों को ले असमानता का व्यवहार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दोनों में समान योग्यता, समान कार्य करने की क्षमता है तो दोनों को समानता का लाभ मिलना चाहिए। ये लाभ संपूर्ण रूप से तभी बालक और बालिकाओं को मिल पाता है जब पेरेंट्स जागरूक होंगे या जागरूकता का विकास उनके अंतर्गत डेवलपमेंट होगा। हाँ जी, एक मिनट रह रही हैं। अभिभावकों की शिक्षा व्यवस्था, आप देखते हो कि प्रत्येक अभिभावक की अपने हिसाब से अपने अनुकूलित शिक्षा व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं कि आप देखते हो एक अच्छा पढ़ा लिखा पेरेंट्स की अच्छी व्यवस्था होती है और एक अशिक्षित लोग की अपने सामान्य व्यवस्था होती है, तो उसके अंतर्गत आप देखते हो अशिक्षित लोग जब बालक विद्यालय से घर जाते हैं तो जब घर में किसी प्रकार का कार्य की आवश्यकता होते हैं तो उन बच्चों को कार्य करने के लिए उपयोग में लेते हैं, जबकि बहुत सारे फैमिलियों में शिक्षित होते हैं तो वो उन बच्चों को पहले पढ़ने के लिए कहते हैं, उसके बाद जब टाइम बचता है तो वो उन कार्य में शामिल हो सकते हैं। तो कि अभिभावकों की शिक्षा व्यवस्था में सरकार का सदैव साक्षरता अभियान एवं प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का संचालन करते रहना चाहिए, जिससे प्रत्येक अभिभावक शिक्षित होगा, शिक्षा की भावना का उसके अंतर विकास होगा, वो बालक बालिकाओं में कोई भेद किसी प्रकार का नहीं करेगा। उसके साथ अभिभावकों का वैज्ञानिक